मेरा नाम शिव प्रसाद लोहिया, मैं थाना मुंबई में रहता हूँ। मेरी उम्र 56 साल है। करीब करीब लगभग 3 साल पहले मैंने ये नई भोजन प्रथा का आरंभ किया था। वैसे तो मुझे कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी लाभ मिले कि शरीर में एकदम हल्कापन महसूस होने लग गया। मेरा वज़न भी 15 किलो कम हो गया है और ये भोजन व्यवस्था करने से, जैसे पहले मैं अगर ध्यान वगैरह में बैठता था तो ध्यान उतना अच्छे से नहीं कर पाता था, और अब अगर मैं ध्यान में आधा पौन घंटा भी बैठता हूँ तो आराम से ध्यान हो जाता है। और इसका सबसे विशेष फायदा तो मुझे तब हुआ जब मेरी पत्नी को कैंसर हुआ। आज से किसका करीब कैंसर हुआ था? यूट्रस का कैंसर हो गया था। उसमें क्या था? हाँ, यूट्रस में गांठें थी, तो डॉक्टरों ने बोला इसका तो ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। तो ऑपरेशन से करीब 1.5 महीना पहले ही हमने ये नई भोजन प्रथा शुरू कर दी थी उसके लिए। तो उसके बाद से उसका ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया, और कोई भी उसके ऑपरेशन के बाद में कुछ भी जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो कुछ भी नहीं आए। और ऑपरेशन के 7 दिन के बाद उसने वापस नई भोजन प्रथा का पालन शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया कीमो के बारे हाँ, में? डॉक्टर ने बोला था कि इसको 25 रेडिएशन और 4 केमोथेरेपी देने हैं, क्योंकि उसको थर्ड स्टेज का कैंसर बता रहे थे वो लोग। लेकिन उसके बाद हम लोग वापस टाटा हॉस्पिटल गए नहीं, टाटा हॉस्पिटल में ही उसका ऑपरेशन करवाया था पहले, लेकिन उसके बाद वापस नहीं गए और घर पे रहकर ही नई भोजन प्रथा बालू भाई चौहान साहब की जो हमने सीखी है नई भोजन प्रथा, तो उसी का अनुसरण पालन कर दिया था। तो आज तक वो एकदम स्वस्थ है। उसकी बार दो बार रिपोर्ट भी निकाली है हम लोगों ने, तो उसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। और तो मैं लोग इधर काफी कीमो में पैसा बिगाड़ते हैं, बॉडी बिगाड़ते हैं। कीमो के हाँ बाद क्या होता है वो भी आपने जाना होगा ना? हाँ केमो से तो शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक हो जाती है, जो कि एट लास्ट मृत्यु का कारण बनती है। और एलोपैथी में जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नई भोजन प्रथा ही उत्तम है। इससे आप नई भोजन प्रथा अपनाकर आप पूरे जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, सभी रोगों से मुक्त रह सकते हैं। और आप यहाँ आज कहाँ आए हो अभी मैं जीवन सूरत दर्शन? में महेंद्र भाई कोराट से मिलने के लिए उनके जीवन दर्शन साधना केंद्र में आया हूँ, और यहाँ भी महेंद्र भाई से भी मिला और यहाँ पर और दूसरे साधकों से मिला, सबसे मिलकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ पर जो भी साधक रह रहे हैं वो आने के बाद 5-7-10 दिन में ही काफ़ी अच्छा अनुभव करते हैं, और यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को नया शुरू करना है तो उसके लिए सेंटर कैसा रहेगा? उसके लिए सेंटर बहुत ही अच्छा है, यहाँ रहकर लोग साधना कर सकते हैं, क्योंकि घर पे रह के ये साधना कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अपने नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग या मिलने जो भी आते हैं सब ये साधना से दूर ही रहने की सलाह देंगे, क्योंकि सब उल्टा ज्ञान देते हैं कि ये खा लो वो खा लो नहीं तो कमज़ोरी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो साधना केंद्र में रह के आप आराम से कोई भी साधना कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या देखा? सब लोगों ने निर्जला रसाहार कितना अच्छे से, कितना सरलता से कर पाए, क्या जाना? हाँ, यहाँ पर निर्जला रसाहार, क्योंकि सब लोग एक तरह की साधना कर रहे हैं, यहाँ पका हुआ भोजन नहीं बनता है, तो वो मन में भी नहीं आता किसी के कि पका हुआ भोजन लेना है। घर पे संघर्ष करना हाँ, पड़ता है। घर पे तो ये संघर्ष करना पड़ता है कि एक आदमी ये साधना कर रहा है बाकी सब लोग पका हुआ भोजन ले रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी वो संघर्ष हो जाता है। तो लोगों को क्या सलाह मशवरा करेंगे? कुछ बीमारी आई है, नहीं अब आई है? बीमारी आए या नहीं आए, अगर हम ये नई भोजन प्रथा अपना लेते हैं तो हम अपना जीवन बहुत ही आनंदमय तरीके से जीवन जी सकते हैं। आपका उम्र क्या है?
मेरी उम्र 56 साल है। अपने पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम लीला लोहिया है, उसकी उम्र 53 साल है। मेरा मोबाइल नंबर है 7718900504।